इतने प्रोग्राम लाइन से देख रहे। जल्दी काजल को कितना बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी कर। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज सैटरडे और अभी हुआ है टाइम ढाई बजने वाले हैं और आज मैंने पहनी है ये नई सूट। आज ये पहनी है, ये पहले पहले काजल ने पहनी और आज मैंने पहनी है। मैंने बोला आज ये पहन लेती हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है और मेरी फेवरेट नाइट सूट है, तो ये मुझे बहुत पसंद आ रही है और फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट है, मस्त अच्छा लग रहा है। सब न्यू नाइटीज़ के फैब्रिक सब के सॉफ्ट और अच्छे निकले हैं, बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल बोलना चाहिए, सॉफ्ट बोल रही हूँ मैं, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है सब। और यहाँ पे देखिए कौन आया है। हेलो, हाउ आर यू ऑल। और ये मॉम पहले से ही रेडी होके आए हैं। 20 अक्टूबर का बेटी का बर्थडे है, हेयर कलर हो गया है, मेकओवर पूरा हो गया है और बेटी का अभी तक नहीं हुआ। जिसका बर्थडे है उसका मेकओवर हुआ नहीं और माँ ने देखो मेकओवर कर लिया है पहले ही। 20 आने वाली है अक्टूबर, बेटी का बर्थडे है तो खुशियाँ मना लो। मॉम सेलिब्रेट भी कर रहा है मेरा बर्थडे और मैं अभी तक मैंने ना ब्लीच किया है, ना वैक्स किया है, ना आईब्रो किया है और ना ही कलर किया है, और हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो गई हूँ टकली और बाल हो गए हैं मेरे पूरे के पूरे ग्रे हेयर, यानी सफ़ेद बाल हो गए और मैंने आज वॉश भी नहीं किया। हेयर जो बन है ये लगेगा बकवास, क्यों? तो मुझे ऑयल डालना है और हेयर कलर लगाना है, इसके लिए आज मैंने नहीं धोया। आज रात को हेयर ऑयल लगा लूँगी, फिर कल वो वॉश करके फिर मैं हेयर कलर लगाऊंगी। और आज देखा तो काजल को बोला मैंने थोड़ा सा वैक्सिंग वगैरह कर ले, काजल को टाइम मिले तो कर लेगी। और खाना है रेडी, आज मैंने बनाया है सांभर राइस बनाया है और हबी को भी बुला रही हूँ। आज अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया है, नहीं तो फटाफट से फ़ोन आ जाता है, फ़ोन ही नहीं किया है इन्होंने, शायद भूख नहीं लगी है लगता है। सुबह में मैगी खा के निकले, अभी तक फ़ोन नहीं आया, तो मैं तैयारी कर रही हूँ सीधा मैगी की, मैगी की नहीं खाना खाने की। तो जी आ गया इनका भी फ़ोन, इनसे बात कर लेती हूँ और खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो नींद में से तो कब का माँ बेटी उठ गए हैं अपना, मैं 4:15 बजे तक आज उठ गई, क्योंकि तो रात को मैं 1 बजे सो गई थी फटाफट से, एक मेरे लिए तो जल्दी है ना, अभी बोलना मत 1 बजे कोई जल्दी होता है, हम लोग 10, 11, 12 बजे सोते हैं। तो मैं पहले 3 बजे सोती थी, 3:30 बजे सोती थी और अब सोती हूँ 1 बजे, तो मुझे आज आफ्टरनून में नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मम्मी और मैं तो उठ गए, काजल सो गई थी। काजल ने बोला मम्मी मैंने सो जाती हूँ थोड़ी देर, वो रात को थोड़ा लेट सोई थी और सुबह मैं जल्दी उठी थी आज, जल्दी से उठ के, ये तो डेली उठ के काम कराती है, तो बोले मम्मी जल्दी उठाना मुझे, तो मैंने बोला ठीक है 4:30 बजे मैं उठाती हूँ काजल को, 4:45 को उठाऊंगी। मैं अपना 4:15 बजे उठ गई, मम्मी और मैं चाय वगैरह पी और बैठ के इधर बातें कर रहे, बातें ही कर रहे और ब्लॉग्स भी देखे। मम्मी ने अपना देखा जो मम्मी का उस दिन निकाला था और जो मेरा था उस दिन ट्यूसडे को घूमने गई थी, वो मम्मी ने बोला दिखा दे, होटल में रेस्टोरेंट में गए थे ट्यूसडे को घूमने तो वो दिखाया। फिर अभी मम्मी नीचे उतरे हैं नाश्ता लेने के लिए, मम्मी का मन था बर्गर खाऊं आज मैं, तो बर्गर लेके आती हूँ, वो खाते हैं साथ में मिलके। तो मैंने बोला ठीक है, काजल ने तो बोला नहीं, काजल जैसे मैंने आपको बताया है वो इतना हैवी कुछ खाती ही नहीं है, उसको वेट का बहुत है, मैं वेट कम करूँ, मैं इतना खाती हूँ मम्मी फिर मेरा वेट जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, तो काजल तो नहीं खाएगी, मम्मी और मैं खाएंगे बर्गर अगर मिला तो नीचे, मम्मी देखने गए हैं
नहीं तो फिर मैंने बोला मम्मी को हमारे लिए भी वेफर्स या सैंडविच वगैरह कुछ भी लेके आ जाना, और अभी तो आज नहीं आ रहे हैं, वो हैं बिजी, और बोल रहे थे वैसे भी अभी तू मम्मी बैठी है खा रही है ना, तो मैं अभी इतना लेट आऊँगा फिर तेरे पास आऊँ, वो उनको ऐसा लगता है कि ये अकेली बैठी है ना, तो फिर ये लेट भी हो जाए ना तभी भी चक्कर लगाते, कि तो इवनिंग में मैं पूरी देर काजल के साथ बैठेगी तो उसको चाहिए एक ना एक बातें करने के लिए, और मैं वो एडिटिंग करेगी तो मैं भी आ जाऊँ, तो आज ये नहीं आ रहा है, बोले मैं सीधा रात को आ रहा हूँ, भले अभी मम्मी बैठी है उसके साथ बातें बातें कर, मुझे भी लेट हो जाएगी, काम में बिजी हूँ तो मैं टेंशन फ्री होके काम करूँ, तू खुश बैठी है। तो मैंने बोला हाँ करो करो काम, टेंशन से टेंशन नहीं है आप करो। और आज तो पहले कितना दिनों से, कल मेरी जो टैबलेट स्टार्ट हुई है तो थोड़ा ठीक लग रहा है, आज फिर भी इम्प्रूवमेंट लग रही है, और बोलने में ही मुझे ऐसे लग रहा है मैं एक्टिव लग रही हूँ, कितना दिन से मैं ऐसे चुप 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 बैठी हूँ, बहुत चुप बैठी हूँ इतना दिन से, मैं जैसे इंजेक्शन लगाती थी उस दिन भी ऐसे चुप हो जाती थी, और अपना हेल्थ की वजह से भी टैबलेट बनती तो ऐसे चुप चुप, तो ये देख के ही परेशान हो गए थे इतना दिन, इसको क्या हो रहा है, काजल अलग ये अलग, इसको क्या हो रहा है। अब आज तो थोड़ा मैं एक्टिव लग रही हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे। आंटी भी काम करके गए हैं, अभी आए थे जस्ट, आंटी को आज लेट हो गई थी तो आंटी का भी काम हो गया, बस अभी नाश्ता वगैरह ही खाना है और रात की तैयारी करनी है, और मम्मी होती है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मुझे, थोड़ा बहुत करा लेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ काजल को, वही बोल रही हूँ काजल का एडिटिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसका पूरा हो जाए तो फिर मैं अपना थोड़ा ब्यूटिशियन का बोल रही थी काजल को मुझे ये करना, थोड़ा वैक्सिंग वगैरह कर लूँ तो तैयार होना है, बस 3 दिन पड़े हैं, तो आज है बर्थडे की तैयारी का फर्स्ट डे, तो आज मैं तैयारी करूंगी, काजल फ्री हो जाए तो मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहूंगी आज कल और परसों। तो मैंने वैक्सीन वगैरह ये सब ब्लीच वगैरह पहले ही कर लेना है कल तक, परसों कैसे भी करके मुझे अपना हेयर कलर करना है, मैं वुडी लग रही हूँ, टकली लग रही हूँ, तो आज से तैयारी शुरू करनी है जल्दी, काजल को कितना बोल रही हूँ जल्दी जल्दी कर मुझे तैयार करने के लिए, थोड़ा कुछ कर ले, थोड़ा ठीक भी लग रही हूँ, और टाइम पे देखो हाँ भगवान मेरा ना सब काम टाइम पे बराबर कर लेते हैं, टच वुड इतना काम टाइम पे होता है अच्छे से, कल से टेबलेट मेरी चालू हुई है, नहीं तो अभी ये 3-4 दिन भी मेरे बर्थडे खराब जाने वाले थे, मैं कहीं नहीं जाने वाली थी, मैं कोई नहीं सेलिब्रेट करने वाली थी और ना ही कोई मैं ड्रेस लेने वाली थी, और हाँ ड्रेस तो मैंने मस्त ली है, बहुत मस्त, क्यों मैं ना उसको क्या कर रही हूँ निकाल के देख रही हूँ, फिर वापस रख रही हूँ, फिर निकाल के देख रही हूँ, फिर वापस से रख रही हूँ, हाय मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ मैं इसमें तैयार होकर कैसे लगूंगी, मैं ऐसे करूंगी मैं वैसे करूंगी, तो खुश लगी पड़ी हूँ, देखते हैं क्या होता है। सात सवा सात से लेके मेरी माँ प्रोग्राम बैठ के देख रही है, 8:30 बजे हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, प्रोग्राम पूरे ही नहीं हो रहे मम्मी के, घरी बोल रहे कलर्स, घरी बोल रहे स्टार प्लस लगा, ये प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम क्या चल रहा है इतनी आदत डाली है मम्मी ने। इवनिंग में कितनी देर, कितने बजे से देखते हैं आप? 10:30 तक अनुपमा का, 10:30 बजे तक, और कितने बजे से लेके? 7:30 से, 7:30 से लेके 10:30 बजे तक प्रोग्राम देखते हैं मैं तो देखती ही नहीं हूँ
मैं ओनली बिग बॉस देखती हूँ, बस एक ही प्रोग्राम। और मेरी माँ, सच में मेरी माँ है। मैं प्रोग्राम देखती हूँ, कितने प्रोग्राम देख रहे हैं बैठ के। स्टार प्लस पे अभी चालू है, पहले कलर्स चलवाया था ना, पहले कलर्स चालू था। कितने बजे से देख रहे हैं? 6:30 से 7:30 तक स्टार प्लस देखा, कलर्स देखा। 7:30 से 10:30 स्टार प्लस। हाँ, 8:30 से 10:30 तक स्टार प्लस देखेंगे। 7:30 इतने प्रोग्राम कौन देखता है? सच में मेरी माँ है। मैं एक देख रही हूँ कलर्स पे, बिग बॉस रात को देखती हूँ डेली इनके साथ, जैसे आपको आपको पता है, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मम्मी ने 7:30 बजे से लेके टीवी चालू की है, अब भी चालू है, 8:30 बज रहे अभी तक चालू है। और इसके बाद कौन सा प्रोग्राम चलने वाला है आपका? इसके बाद इमली, इमली, इमली के बाद इमली के बाद अनुपमा, न अनुपमा अने टाइम आ उन खां पोइ ॿियो गहना जो। इमली के बाद गहना, गहना के बाद अनुपमा। हाँ, ओ गहने गहना के बाद ये ॿियो प्रोग्राम आहे 9:30। इतने प्रोग्राम देखते सीरत का हैं। हाँ, वो आप लोग समझेंगे, मैं तो सीरत। देखती ही नहीं हूँ, मम्मी देख रही है। इतने प्रोग्राम लाइन से चालू है, प्रोग्राम एक ना एक, एक ना एक पूरा हो रहा है। 7:15 बजे मुझे बोला चल कलर्स चला, कलर्स चला, फिर 7:30 बजे 15 मिनट में बोलती, पहले 7:15 बजे कलर्स चलाएगी तो फिर बाद में स्टार प्लस चला के देगी, नहीं तो फिर कलर्स ही चले। मैंने बोला नहीं, चला के दूंगी ना, चलाने में कौन सा मेरा टाइम जा रहा है। फिर चला के दिया कलर्स, फिर 7:30 बजे 15 मिनट में बोल रहे स्टार प्लस चला, फिर अभी स्टार प्लस चला है, अभी सही का प्रोग्राम चल रहा है ये, अभी स्टार प्लस पे चल रहा है 8:30 बजे तक, अभी ये पूरा होगा ना, इमली अभी पूरा होगा, इमली चालू होगा। इतने प्रोग्राम लाइन से देख रहे हैं, सच में मेरी माँ है। मैं एक देखती हूँ, ये कितने देखते हैं, चार पांच, इतना टाइम पास करते हैं, शाम को बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं बैठ के, अभी तक चालू है। सत्संग पे जाती है, सत्संग पे, सत्संग पे जाएंगे, ये चालू रहता है मम्मी का प्रोग्राम। गुम है किसी के प्यार में। हाँ, ज्यादा मजा किसमें आता है, प्रोग्राम में के सत्संग पे? दोनों में आता है, दोनों में, अपनी अपनी जगह पे दोनों अच्छे हैं। अपनी अपनी जगह पे सत्संग भी अच्छा है और प्रोग्राम भी अच्छे हैं। यहाँ पे आते बोलते मैं कान्हा जी को दिया लगाऊंगी, घर में भी लगाते हैं ना, घर में भी पूजा करते हैं मम्मी, यहाँ पे भी। तो जैसे आपके साथ शेयर किया पहले भी मैंने, बटन ऊपर है बहुत, तो मशीन घूमने में डाल देती हूँ, मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, बाकी मैं या काजल डाल देंगे, बाकी बटन वगैरह यही चालू करके देते हैं। इतना ऊपर तो हम दोनों का हाथ जाता नहीं है, या तो फिर स्टूल पे बैठे तो नहीं होता है, स्टूल पे चढ़े यही चालू करेंगे। मम्मी बोलते हैं मुझे दे मैं चालू करूँ, मम्मी को कब समझ में आए यही चालू करेंगे। तो मैंने बोला नहीं, आप भी टेंशन मत लो, ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है, खुद वो लंबे हैं, फटाफट से चालू कर देते हैं, स्टिक लेते हैं फटाफट से, स्टिक से ही चालू कर देते हैं, हमें तो ऊपर चढ़ना पड़े क्या फ़ायदा। तो ये चालू कर देंगे फटाफट से, मैं खाली मशीन में डाल देती हूँ, और फिर 9:30 बजे बिग बॉस चालू होगा। और सलमान का है, मम्मी को भी अच्छा लगता है सलमान का प्रोग्राम देखना, और मुझे भी। वहाँ पे मैंने मशीन भी चालू कर दी है, मशीन चालू नहीं किए, कपड़े डाले हैं धोने के लिए, और मम्मी ने यहाँ पे चूड़ी भी बना ली है, तो चूड़ी भी रेडी है, खाना रेडी है, और कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं, बट ये अभी तक नहीं आए। और बिग बॉस आज लेट चलेगा, 10:30 बजे लेके आ रहा है, कि तो कलर्स पे कोई न्यू शो चालू हुआ है, न्यू प्रोग्राम चालू हुआ है, तो उसकी वजह से शायद लेट चलेगा। तो अभी मैं बैठी थी 9:30 बजे तक, जब भी तो मैंने कपड़ा जल्दी से डाल दिया, भाई आ जाएंगे ये भी, और यहाँ से प्रोग्राम भी चालू होगा, वहाँ से खाना भी बना लिया हम लोगों ने, तो अभी ठीक है, काम तो उतर गया, खाना भी बन गया, कपड़े भी डाल दिए, बस ये आके बटन चालू करेंगे, कपड़े फटाफट खुद ही निकल जाएंगे, टेंशन नहीं है, बस अब इनका वेट कर रहे हैं, आ जाए तो खाना खा लेते हैं। और वैक्सीन की शीट्स भी काजल ने बोली है, हम वैसे
वीट की शीट्स आती है ना वो यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छा होता है। तो मैं फिर हाथ की वैक्सिंग मैंने बोला आज कर ले, लेकिन भले कल करना, पहले हाथ की तो करा के देखूँ मैं बैठ सक रही हूँ इतनी देर के नहीं। फटाफट हो जाते हैं पर तभी भी मुझे बैठने की सुस्ती होती है। तो काजल भी फ्री हो जाए, वीडियो भी अपलोड होने वाला है अभी।